देखिए बच्चों, अगला है, अगली थ्योरम, अगली जो हमारे पास एक्सरसाइज है वो है 6.4। तो इसमें हम एक थ्योरम समझेंगे 6.4 में, 6.6 थ्योरम है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम और बहुत ही चांसेस हैं इसके एग्ज़ाम में आने के लिए। तो सबसे पहले देखिए, आपको इस जो थ्योरम है इसका स्टेटमेंट जानना होगा कि अगर हमें दो सिमिलर ट्रायंगल दे रखे हैं तो उनके एरिया का जो रेशो है वो उनकी साइडों के रेशो के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो आपने समझा कि अगर मेरे पास दो सिमिलर ट्रायंगल हैं तो उनकी उनके एरिया का रेशो उनकी साइडों के करस्पॉन्डिंग साइडों के प्रोपोर्शनल होता है, करस्पॉन्डिंग साइडों के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो हमें क्लियरली है कि ए बी सी का जो, मतलब ये ए बी सी और पी क्यू आर का जो एरिया का रेशियो है वो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल के बराबर है। ये बात हम प्रूव करेंगे अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो। देखिए, एक मुझे यहाँ कंस्ट्रक्शन करनी होगी, कंस्ट्रक्शन बिल्कुल हमने सिंपल की है। कंस्ट्रक्शन क्या करना है हमें, ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी एंड एंड पी एन परपेंडिकुलर टू क्यू आर। ये दो कंस्ट्रक्शन हमने किए हैं यहाँ पे। प्रूफ हमें, आपको पता है प्रूफ हमें ये करना है, इसका एरिया का रेशो जो है, इन दोनों के एरिया का जो रेशो है इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल के बराबर होगा। तो देखिए, इसे प्रूफ करने के लिए जरा मुझे यहाँ पे पहले ये लिख लेना होगा, एरिया इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ये दोनों ट्रायंगल ले रहे हैं आप, इनका एरिया लीजिए, एरिया ए बी सी अपॉन एरिया पी क्यू आर, ये बराबर होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आपको फॉर्मूला पता है, ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला यही है, हाफ इंटू बेस, इसका बेस है बी सी और हाइट है ए एम। ऐसे इस वाले ट्रायंगल का बेस है कितना, क्यू आर, और हाइट है इसकी कितना, पी एन। पी एन तो आप हाफ को हाफ से कैंसिल कर सकते हैं, तो आपको मिलेगा रिजल्ट ए बी सी अपॉन एरिया पी क्यू आर, जिसे लिख सकते हैं बी सी अपॉन क्यू आर और ए एम बाई पी एन। ठीक है, तो आपने देखा कि जो इससे मैंने कैंसिल किया और इनको थोड़ा सेपरेट कर दिया, इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आगे चलने पर इसका यूज़ होगा। तो अब जरा मैं इन दो छोटे जो ट्रायंगल हैं इनको मैं सिमिलर दिखाना चाहूँगा। तो देखिए, सिमिलर कैसे दिखाएं, पहले लिख दीजिए इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन। ठीक है, ये वाला जो ट्रायंगल है इन दोनों को जरा सिमिलर दिखाइए। कैसे सिमिलर दिखाएंगे, आप सबसे पहले ये बता सकते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, ये वाली लाइन जो है इसके प्रोपोर्शनल, इसके अपॉन में रखी मैंने। अब साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि बी सी अपॉन क्यू आर, ये भी ले लीजिए बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, और ये जरा हम लिखते हैं, तो और साथ ही साथ हमें ये भी गिवन है कि एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल है। ठीक है, तो आपने देखा कि भाई ये मैं किस बेस पे कह रहा हूँ, तो इसको मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि ये ट्रायंगल, बिकॉज ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर था ट्रायंगल पी क्यू आर के, तब मैंने ऐसा कहा कि भाई ये इस ट्रायंगल का रेशो, मतलब ये वाली लाइन अपॉन ये और बी सी लाइन अपॉन क्यू आर लाइन, तो ये आपने यहाँ पे ये समझा। और एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर होगा क्योंकि मैंने सिमिलरिटी की कंडीशन लगा दी, तीसरी साइड मैंने यहाँ पे ली नहीं है, चाहो तो ले सकते हैं आप। ठीक है, तो अभी हमने ये दिखाया। अब देखिए, बी सी बाई क्यू आर को मैं यहाँ पे ये लिखूंगा, ए बी
अपॉन पी क्यू, और बी सी को हमने लिखना है कितना, 2BM, 2BM अपॉन 2QN। ठीक है, तो आपने देखा इसको आपने कितना 2BM अपॉन 2QN लिया, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, और साथ में तो चल ही रहा है कि एंगल B जो है Q के इक्वल है, तो अगर आप इसको कैंसिल कर देंगे तो AB अपॉन PQ और BM अपॉन QN, तो देखिए BM अपॉन QN एक एंगल बराबर है क्योंकि B और Q बराबर हैं, तो इससे हम कह सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल ABM भी सिमिलर होगा ट्रायंगल PQN के। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये बताया क्योंकि एंगल एक बराबर है, दो साइड प्रोपोर्शनल आ गई, तो इससे ट्रायंगल सिमिलर हो चुका है। अगर ट्रायंगल सिमिलर हो चुका है तो हम ये भी कह सकते हैं देन कि AB जो है वो इक्वल होगा किसके, AB बाई पी क्यूव, AB बाई पी क्यूव और AM बाई PN इसके भी इक्वल होगा। तो देखिए अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो चुके हैं तो इसका ये अपॉन ये और मीडियन अपॉन इसकी मीडियन, तो ये इक्वल होंगे। और साथ ही साथ देखिए जब मैंने यहाँ पे आपको ये बताया कि ये जो हमने देखा AB बाई PQ BC बाई QR के बराबर था, ठीक है, ज़रा इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, इट विल बी इक्वेशन नंबर 2। तो अगर ये इक्वेशन नंबर 2 है तो आप ये वाली जो वैल्यू है AB, इसकी जगह हम ये भी पुट अप कर सकते हैं, तो आप इसे लिख दीजिए BC बाई QR इक्वल टू AM बाई PN। ठीक है, तो आपने देखिए यहाँ पे क्या देखा कि AB बाई PQ, ये AB बाई PQ की वैल्यू, इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 कहा, तो इक्वेशन नंबर अगर 2 ये है तो आप कह दीजिए यहाँ पे कि ठीक है, तो आपने पहले ये बताया, तो इससे आपने ये 2BM और 2QN की फॉर्म में लिखा क्योंकि ये लाइन आधी थी इससे, तो 2 से 2 कैंसिल किया, जिससे आपने बताया कि एक एंगल अगर बराबर है, दो साइड प्रोपोर्शनल है, तो ये ट्रायंगल भी आपके सिमिलर होंगे। अगर सिमिलर ट्रायंगल हैं तो AB बाई PQ और AM बाई PN भी होंगे। AB बाई PQ की जगह मैंने BC बाई QR को लिखा यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 के द्वारा ऐसा किया हमने। अब ये जो वैल्यू है ये हम पुटअप कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो इसे ज़रा हमें फर्स्ट इक्वेशन में पुटअप कर देना है, एरिया ए बी सी अपॉन एरिया पी क्यू आर। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए ए एम बाई पी एन की वैल्यू आपको पता है बी सी बाई क्यू आर है, तो आप इसको लिख दीजिए बी सी बाई क्यू आर इंटू बी सी बाई क्यू आर। ठीक है, आपने देखा बी सी बाई क्यू आर की वैल्यू, इसकी जगह आपने बी सी बाई, क्योंकि ए एम बाई पी एन इसके इक्वल है, आपने बी सी बाई क्यू आर लिखा, तो जिससे ये हो जाएगा आपका बी सी का स्क्वायर बाई क्यू आर का स्क्वायर। तो आपने देखा इसके स्क्वायर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया, ऐसे ही हम आगे पहले इतना लिखेंगे, फिर मैं आपको थोड़ा सा और है वो बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो थोड़ा मुझे रब करना पड़ेगा, मैं रब कर देता हूँ ऊपर से। तो आपने ये लिखा एक बार समझ लीजिए, देखिए मुझे यहाँ पे दो सिमिलर ट्रायंगल दे रखे हैं, मुझे प्रूफ करना है कि इनका एरिया का जो रेशो है वो इनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। तो देखिए मैंने सबसे पहले दोनों ट्रायंगल लिए, इनका एरिया का फॉर्मूला लगाया बेस इनटू हाइट, और फिर इसके बाद में देखिए हाफ से हाफ कैंसिल, ये बच्चे इनको अलग अलग कर लिया है। तो इसके बाद देखिए ज़रा हम ये छोटे ट्रायंगल को सिमिलर दिखाएंगे, तो उसके लिए मैंने बड़े ट्रायंगल से ये दो रेशो ले लिए, ये अपॉन ये और बी सी बाई क्यू आर। बी सी बाई क्यू आर को क्योंकि ये मीडियन है तो ये जो है हाफ होगी पूरी लाइन के, तो मैंने 2BM लिखा, ऐसी 2Q1 लिखा,
टू से टू कैंसिल किया, एंगल बी और क्यू तो बराबर हैं, तो इसका मतलब ये वाली लाइन इसके प्रोपोर्शनल थी, ये इसके अपॉन में थी, और बी क्यू एंगल बराबर दे ही रखे हैं हमें क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर था, तो इससे ये भी ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। अगर ये सिमिलर हो जाता है तो ए बी बाई पी क्यू कहेंगे, ए एम बाई पी एन कहेंगे, ठीक है। और अगर हम ऐसा कह देते हैं तो ए बी बाई पी क्यू की वैल्यू बी सी बाई क्यू आर भी थी, तो हमने बी सी बाई क्यू आर लिखी यूजिंग इक्वेशन नंबर टू। और इसके बाद जो हमें यहाँ पे ए एम बाई पी एन की वैल्यू जो मिली वो हमने ए एम बाई पी एन की जगह यहाँ पे पुट अप कर दी, जिससे बी सी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर हो गया, क्योंकि हमारा मेन मोटिव था इनका स्क्वायर बनाना, तो मैंने इस साइड का तो स्क्वायर बना दिया। ऐसे ही अब हम कह सकते हैं सिमिलरली, आगे भी हम ऐसे कह सकते हैं कि सिमिलरली कि एरिया ए बी सी अपॉन एरिया पी क्यू आर ये बराबर होगा ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर अपॉन पी आर का स्क्वायर। जैसे हमने बी सी का स्क्वायर बाई क्यू आर का स्क्वायर बताया, ऐसे ये इसके भी बराबर होगा। तो बाकी फिर हम कह सकते हैं हैंस ए बी सी एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर, तो ये इसके साइडों के एरिया का जो रेशो है साइडों के स्क्वायर के रेशो के बराबर होगा, जैसे आपने यहाँ देखा, और ये रेशो भी उसे फॉलो कर रहे हैं, तो हमने यही बात प्रूव कर दी थी। तो ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ, आप इसे लिख लेंगे, फिर हम एक्सरसाइज पे आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए एक्सरसाइज समझते हैं, क्वेश्चन नंबर वन है, वन में हमें यहाँ पे दे रखा है दो सिमिलर ट्रायंगल दे रखे हैं, ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, और हमें यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल है हमारे पास ये ए बी सी, तो ए बी सी का जो एरिया है वो है आपका 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एक ट्रायंगल और है हमारे पास, ये है आपका डी ई एफ, इसका जो एरिया है वो हमें दे रखा है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया ये था। और अगर हमें ई एफ की वैल्यू दे गिवन है कितना 15.4, ठीक है, ई एफ की वैल्यू ये हमें दे रखी है 15.4 सेंटीमीटर, तो हमें फाइंड आउट करना है बी सी की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए ये क्लियर है क्योंकि इन्होंने हमें सिमिलर ट्रायंगल दे ही रखा है सॉल्यूशन, तो अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके एरिया का जो रेशो है ए बी सी अपॉन एरिया डी ई एफ जो है वो बराबर होगा बी सी का स्क्वायर अपॉन ई एफ का स्क्वायर, ठीक है। तो ये अभी हमने एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल वाली थ्योरम जो की थी उस पर ही बेस्ड है। अब इन दोनों का एरिया का रेशो इनकी करस्पॉन्डिंग साइडों के रेशो के बराबर होगा, तो देखिए मैंने करस्पॉन्डिंग साइड और उनके स्क्वायर के रेशो यहाँ पे लिखे। ए बी की वैल्यू है आपकी कितना, एरिया ऑफ ए बी सी है 64, इट विल बी 121, ये है आपका बी सी आपको फाइंड आउट करना है, जबकि ये है 15.4, तो बी सी का स्क्वायर होगा, इसको जरा आप मल्टीप्लाई में भेजेंगे 64 इंटू 15.4 अपॉन 121, तो बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जरा आप इसको लिख देंगे कितना 64 है, तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए 8 इंटू 8, और 15.4 है तो इसका रेशो होगा आपका ये 15.4 का रेशो अभी हमें नहीं पता है। अच्छा देखिए 15 का स्क्वायर लिखना होगा आपको, क्योंकि स्क्वायर था ये, तो इसको दो बार लिख देता हूँ मैं 15.4,
और 21 तो यही है हमारे पास, तो 8 into 8 15.4 into 15.4 अपॉन 11 into 11, तो बी सी की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर हटा दीजिए, बी सी की वैल्यू 8 into 8 रूट में आ जाएगा ये सब कुछ, 15.4 15.4 अपॉन 11, 11 into 11, तो बी सी की वैल्यू आपको मिल जाएगी 8 into 15.4 अपॉन 11, अगर कट करेंगे तो ये आ जाएगा बी सी इज़ इक्वल टू 8, तो ये कटेगा आपका 1.4 से, तो 8 into 1.4 बी सी इज़ इक्वल टू, आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 8 3 11, 11.2 सेंटीमीटर होगी इसकी लेंथ बी सी की। तो ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ बच्चों, इसे आप लिख लेंगे, क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2।